नमस्कार, चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं, क्या कुछ आपकी पाम बताती है। और पाम का एनालिसिस करने से पहले और एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं आपको के दोनों पाम का एनालिसिस कर रही हूं, है ना। एक राइट वाला है और दूसरे डिवाइस में मैंने लेफ्ट वाला खोल रखा है, तो राइट का मैं वीडियो बना रही हूं, लेफ्ट को भी मैं देख रही हूं। और इससे पहले मैं एक बार आपकी कुंडली चेक करती हूं, है ना, होरोस्कोप। देखिए, आपकी जो कुंडली बन रही है वो धनु लगन की बन रही है, सेजिटेरियस जिसको बोलते हैं, है ना। और राशि बन रही है मून साइन, जिसे हम लोग बोलते हैं जेमिनाय, यानी कि आपकी राशि बन रही है मिथुन, है ना, जेमिनाय। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आप अपने लगन के स्वामी को देखिए कहाँ पे बैठे हुए हैं। लगन के स्वामी आपके धन भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन क्या है, नीच का हो गए हैं। 10 नंबर में मकर राशि में जुपिटर नीच का हो जाता है, नीच हो रखे हैं, तो ये थोड़ा नुकसान करता है। नुकसान क्या करेगा, आपको धन सेविंग नहीं होने देगा। वाणी तो आपकी अच्छी ही होगी, गुरु बैठे हुए हैं तो वाणी तो अच्छी होती है आपका, लेकिन कहीं ना कहीं धन संबंधी प्रॉब्लम देता है। कहाँ के स्वामी है, आपके आपके फोर्थ हाउस के लॉर्ड बन रहे हैं। फोर्थ हाउस हो गया आपका, ये सुख साधन का घर है ना, आपका घर हो गया, तो इनके लॉर्ड बन के आपके नीच हो गए, तो यहाँ कहीं ना कहीं आपके जो घर का सुख जो होता है उसमें भी कमी करता है ये। उसके बाद लगन का लॉर्ड शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, और एक तरह से स्टेबिलिटी लाइफ में नहीं आना, लाइक इस तरह से चीजें होती हैं। उसके बाद सेकेंड हाउस में आपके 10 नंबर है, 10 नंबर का मतलब हो गया आपके मकर राशि है ना, कैप्रिकॉन है, तो कैप्रिकॉन। अब इसके स्वामी देखिए लगन में बैठे हुए हैं, केतु के साथ बैठे हुए हैं, राहु की दृष्टि पड़ रही है, चंद्र के साथ बैठे हुए हैं, तो बन गया यहाँ पे विष योग, ठीक है, श्राप योग, विष योग सब बन रहा है आपका कुंडली में। दिक्कत भी है, अच्छाई भी है, मैं आऊंगी, लेकिन एक तरफ से कर रही हूँ। अब देखिए आपके ये जो थर्ड लॉर्ड और सेकेंड लॉर्ड है ना, सेकेंड लॉर्ड बन रहे हैं आपके कैप्रिकॉन, थर्ड लॉर्ड बन रहे हैं एक्वेरियस हैं, एक्वेरियस के बन रहे हैं आपके शनि। ये दोनों हाउस के लॉर्ड शनि बन रहे हैं और बैठ गए हैं आपके सेवंथ हाउस में, सेवंथ हाउस में बैठे हुए हैं, केंद्र में बैठे हुए हैं। हालांकि कुछ महीने में ये पॉजिटिव फल देगा, कुछ महीने में निगेटिव फल देगा। देखिये पॉजिटिव फल ये देगा कि शनि यहाँ पे बैठ के शादी, आपकी जो मैरिज है ना, लेट कराती है। लेट कराने के अलावा क्या करेगा आपको, ये पार्टनरशिप बहुत अच्छा कराता है ये शनि यहाँ पे बैठ के। हाँ, लेकिन दृष्टि पड़ रही है यहाँ पे, देखिए शादी लेट होगी और दृष्टि, सेवन दृष्टि देखिए पड़ रही है आपकी हेल्थ पे, तो हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम भी होगी। और तीसरी दृष्टि शुक्र पे पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन हो गया, ब्यूटी हो गया, इन सभी चीजों नेम फेम पाने में दिक्कत होती है। एक तो भाग्य पे पड़ रही है ना, भाग्य तीसरी दृष्टि बहुत ही, और आपके कुंडली में योग कारक ग्रह भी नहीं है, तो थोड़ा शनि से प्रॉब्लम है। तो मैं बता दूंगी आपको रेमेडी, उसकी टेंशन मत लीजिए, है कुछ प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखिए फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस के लॉर्ड बैठ गए सेकंड हाउस, हालांकि धन भाव में बैठे हुए हैं, तो धन तो आएगा, नो डाउट धन आएगा, वाणी से धन आएगा, घर की चीजें काम करेंगे, लग्जरियस आइटम वगैरह का अगर बिजनेस करते हैं तो उससे को धन आएगा, है ना, इन सभी चीजों से धन आएगा। उसके बाद देखिए फिफ्थ हाउस, फिफ्थ हाउस है आपके एरीज, एरीज के स्वामी हो गए आपके, लॉर्ड बन गए आपके मंगल, मंगल कहाँ बैठ गए हैं, फोर्थ हाउस में, ये मांगलिक योग भी बन रहा है आपका। देखिए यहाँ पे मंगल बहुत परेशान करता है, इससे बचने का एक ही उपाय है, आप घर से दूर चले जाओ। ये मंगल यहाँ घर में अगर आप रहोगे तो शांति नहीं रहेगी, कलह क्लेश सदैव बनी रहेगी, इसलिए आप घर से दूर रहोगे आपके लिए सबसे बेस्ट बेस्ट रेमेडीज रहेगी, ठीक है। उसके बाद देखिए फिफ्थ हाउस के लॉर्ड यहाँ बैठ के, अब सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड टॉरस बनता है, टॉरस के जो स्वामी हो गए, लॉर्ड हो गए शुक्र, शुक्र बैठ गए भाग्य भाव में, है ना, तो यहाँ पे टॉरस का है भाग्य भाव में, पांचवी दृष्टि पड़ रही है गुरु की यहाँ पे, हालांकि नीच ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, दिक्कतें होंगी, लेकिन कोर्ट कचहरी वगैरह का ज्यादा, मतलब रोग रिपु ऋण है ना, रोग शत्रु ये सभी आपका ज्यादा नुकसान नहीं कर पाएंगे, कम नुकसान करेंगे, मतलब जितना वो चाहेंगे उतना नुकसान नहीं कर पाएंगे, है ना। उसके बाद देखिए सेवंथ हाउस, सेवंथ हाउस में जेमिनाई है, जेमिनाई के लॉर्ड बुध बन गए, बुध बैठ गए हैं आपके एट्थ हाउस में। अब एट्थ हाउस में बुध बैठ गए हैं, हालांकि सूर्य के साथ बैठे हैं, शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, बुद्धादित्य योग बना रहे हैं, जीरो डिग्री पे हैं, तो दिक्कत यहाँ पे भी थोड़ी सी है ना। उसके बाद आपके एट्थ हाउस में फोर्थ है, फोर्थ नंबर है ना, यानी कि ये हो गया कैंसर, कैंसर के लॉर्ड हो गए मून, मून बैठ गए हैं आपके सप्तम हाउस में, तो ये अच्छा फल देगा। तो कहीं ना कहीं इनहेरिटेंट संपत्ति मिलना, रिसर्च के फील्ड में आप जाते हो उसमें आपको सक्सेस मिलना, इन सभी चीजों को बता रहा है। और एक चीज और है, बहुत ही अगर आप हिम्मत से कोई काम करोगे ना, अगर जैसे कोई चीज के लिए डट जाओगे, जुनूनी जिद्दी बन जाओगे, तो वो काम आप सक्सेस ले लोगे आप, क्योंकि आपके जो भाग्य भाग्य स्वामी बैठे हुए हैं सूर्य यहाँ पे एट्थ हाउस में, और
और एट्थ हाउस किस चीज़ का होता है, रहस्यमय गुप्त ऑकल्ट साइंस का होता है। ऑकल्ट साइंस में आप बहुत अच्छा कर सकते हो, कहीं ना कहीं आप गवर्नमेंट के द्वारा आप फायदा उठा सकते हो, क्योंकि सूर्य की सातवीं दृष्टि पड़ रही है गुरु पे, धन भाव पे, तो गवर्नमेंट से, कम्युनिकेशन से, इन सभी चीज़ों से धन अर्जन कर सकते हो आप। फिफ्थ लॉर्ड तो मैंने बोल दिया, उसके बाद आइए नाइन्थ लॉर्ड जो है वो बैठे हुए हैं यहाँ। अब टेंथ लॉर्ड बन गए आपके वर्गो, है ना, सिक्स नंबर वर्गो, वर्गो के लॉर्ड हो जाते हैं बुध, ये भी हो गए हैं। अब देखिए टेंथ हाउस के लॉर्ड बैठ गए हैं एट्थ हाउस में, अब आपको काम क्या करना चाहिए, जितने भी एट्थ हाउस से रिलेटेड काम होता है उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। शेयर मार्केट हो गया आपको, ऑकल्ट साइंस हो गया, और आपको रिसर्च हो गया, रॉ हो गया, जासूसों वाला जो काम होता है, ये सब कामों में आपको सक्सेस मिलेगा। और देखिए यहाँ पे लाभ और भाग्य भाव का संबंध बन रहा है ना, लॉर्ड बैठे हुए हैं, तो भाग्य से धन का, ये भी सडन धन का, अचानक धन प्राप्ति का घर होता है, और यहाँ पे बुध आपके बैठे हो तो अचानक धन की प्राप्ति होगी, अचानक मतलब रोजगार मिलना, अचानक कुछ भी होना, लाइक इस तरह से चीज़ें होंगी, ये काफ़ी अच्छा योग है ना, इन दोनों का संबंध बन रहा है। अब देखिए यहाँ पे ट्वेल्थ हाउस के लॉर्ड बैठ के आपके फोर्थ हाउस में, तो कभी भी घर का सुख नहीं होने देगा। विदेशों के साथ काम करें, विदेशों के साथ व्यापार करें, जितना ज़्यादा विदेशी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी। स्पोर्ट्स वगैरह में आपको अच्छी सफलता मिल सकती है, क्योंकि शुक्र अच्छा है और मंगल ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड बन के आपके घर में बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं घर में जो भी चीज़ें आएंगी वो आपको इस तरीके से आएंगे, स्पोर्ट्स वगैरह, जिम हो गया, कैरेज वाला जो भी हिम्मती काम होता है उससे होगा। ये तो हो गया लगन कुंडली का आपको एक तरह से सारांश टाइप में विश्लेषण, है ना। इसकी जो रेमेडी है वो मैं रेमेडी आपको मैसेज पे बता दूंगी। अब एक बार नमाज चार्ट चेक करिए, हालांकि इसमें डिग्री से पता चल रहा है। अब देखिए नमाज चार्ट में क्या बनता है, यहाँ भी एक सूर्य नीच का हो गया है, है ना, सूर्य नीच का हो गया है, उसके बाद शनि की स्थिति ठीक है, गुरु यहाँ पे बैठा है, तो हाँ इनहेरिडेंट संपत्ति से भी दिख रही है, यहाँ से भी दिख रही है, मंगल सिक्स हाउस में है, हाँ एट्थ हाउस पे, तो ये भी आपको फॉरेन का है। बुध के साथ देखिए राहु आपके यहाँ पे बैठे, राहु जब भी आपके टेंथ हाउस में बैठे या फिर आपके ट्वेल्थ हाउस में बैठे या फिर आपके फोर्थ हाउस में बैठे, ये विदेशी भूमि से लाभ देता है। शुक्र आपका यहीं का यहीं बैठा हुआ है भाग्य भाव पे, तो बेहतरीन कुंडली है, लेकिन स्ट्रगल है, ये नो डाउट स्ट्रगल है। स्ट्रगल के बाद जो कहते हैं ना, अगर किसी को कुछ नहीं मिलना लेकिन आपको बहुत कुछ मिलेगा। अभी दशा कौन सी चल रही है, मैं एक बार दशा चेक कर लेती हूँ। आपकी अभी शनि की महादशा चल रही है, देखिए शनि की महादशा चल रही है, और आपकी सेजिटेरियस है ना, धनु लगन की कुंडली के लिए शनि की महादशा बिल्कुल फेवरेबल नहीं होती है, और लगन में बैठे हुए हैं, केंद्र में बैठे हुए हैं, स्ट्रगल तो भयंकर रहेगा, मानसिक परेशानी बहुत रहेगी, 2020-21 में काफ़ी रही होगी आपको, है ना। फिर जाके आपको 21 दिसंबर से चीज़ें ठीक होनी शुरू हुई होंगी, उसके बाद फिर 2023 देखिए शनि के अंदर मंगल की आएगी, तो इस समय चोट चपेट 2023 तक चोट चपेट केस मुकदमा से थोड़ा बच के रहिए, 2023 के बाद आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा, 2028 तक वैसे चलने वाला है आपका शनि का महादशा। कुछ एक रेमेडीज करेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप कोई स्टोन धारण करना चाहते हैं तो आप पुखराज बिल्कुल आप पहन सकते हैं, पुखराज पहन लीजिए बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, रूबी पहन लीजिए, मूंगा मत पहनिए क्योंकि ट्वेल्थ हाउस फिर ये एक्टिव हो जाएगा, हालांकि ये फिफ्थ हाउस तो एक्टिव होगा लेकिन ट्वेल्थ भी हो जाएगा, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा आप पुखराज पहन लीजिए और दूसरा आप रूबी पहन लीजिए, है ना, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। चलिए अब आपके पाम पे आते हैं, पाम से मैच कर रहा है कि नहीं, देखिए पाम जो होता है ना वो आपके माइंड का मिरर होता है, ठीक है, आप जो सोच रहे हो, तो कभी कभी क्या होता है ना कुंडली का जो लिखा हुआ रहता है वो भी चेंज हो जाता है आप अपने माइंड से अपने दिमाग से, इसीलिए पाम का जो है ना प्रेजेंट सिचुएशन देखना चाहिए, और हर सिक्स मंथ में आपकी हाथ की रेखाएं बदल जाती है, इस बात पे भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अच्छा एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ, आप अगर अपने कुंडली को चेक करेंगे तो आपके ज़्यादातर ग्रह आपका चार नंबर में दो ग्रह है, यानी कि ये हो गया आपका वाटर एलिमेंट, ये भी हो गया वाटर एलिमेंट, तीन ग्रह आपके वाटर एलिमेंट में है और दो ग्रह आपके फायर एलिमेंट में है और तीन ग्रह आपके एयर एलिमेंट में है और गुरु ये हो गया आपका अर्थ एलिमेंट में, है ना। तो इससे आपके पाम का जो बेसिक नेचर, आपका जो पाम है ये रेक्टेंगुलर और आपकी फिंगर लॉन्ग है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं आप फायर एलिमेंट के व्यक्ति हो, क्योंकि आपकी जो लगन है ना सेजिटेरियस है, तो और सेजिटेरियस लगन वाले तो ऐसे ही होते भी हैं, अग्नि तत्व के होते हैं आप लोग, है ना, राशि मिथुन बिल्कुल। तो देखिए फायर एलिमेंट का जो ये बेसिक नेचर आपका क्या है, डायनामिक है आप, एनर्जेटिक हैं, जल्दी हिम्मत नहीं हारते हैं, बहुत ही ज़्यादा
एक तरह से लगनशील हैं, रिस्क टेकिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। सेम पाम आपका लेफ्ट का भी है, तो ये आपके एलिमेंट हो गए। और पाम की कलर पिंक है, जो कि अच्छे धन अच्छे स्वास्थ्य को बताता है, जो कि दूसरे पिक में दिख रहा है मुझे। देखिए यहाँ पे सेटिंग देखेंगे तो ये काफी लो है, लो सेटिंग काफी स्ट्रगल। जिनके लाइफ में स्ट्रगल होता है तो उन्हीं के लाइफ में भी अच्छा होता है, तो स्ट्रगल तो रहेगा आपको बहुत ज्यादा, है ना। जो करना है आपको अकेले करना है, किसी का साथ आपको नहीं मिलेगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। हाँ लकली आपको बहुत आप लोगों का मदद कर देंगे, लेकिन आपको मदद करने वाला टाइम पे बहुत कम लोग मिलते होंगे। अब देखिए गुरु, गुरु की फिंगर सबसे पहले आप देखिए, जुपिटर की फिंगर को देखिए, उसके बाद सन की फिंगर को देखिए, दोनों की लेंथ लगभग बराबर है, तो काफी स्मार्ट होते हैं ऐसे जाते हैं। कोई भी काम को कहाँ क्या करना है इनको बहुत अच्छे से पता होता है। लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी है, स्पिरिचुअल हैं आप बहुत अच्छे, रिलीजियस प्लस स्पिरिचुअल दोनों हैं। और सारे फिंगर पे खड़ी लाइनें आप देखेंगे इस प्रकार से, हालांकि इस पे नहीं है बट इस पे है। तो मिलनसार स्वभाव अच्छे धन अच्छे स्वास्थ्य को बताता है। नहीं नोट्स आपके क्लियर नहीं है, सारी बातें लोगों को नहीं बताते हैं, बहुत सोच समझ के बोलते हैं। गुरु अच्छा है तो हायर एजुकेशन को बताता है, फिंगर में गुरु अच्छा है लेकिन उसमें गुरु अच्छा नहीं है, लेकिन फिंगर अच्छा है आप में, तो कहीं ना कहीं आप में ये ललक होती है कोई भी चीज सीखने की, है ना, ये चीज है। उसके बाद आपका शनि की फिंगर देखिए, शनि की फिंगर लॉन्ग है आपकी, शनि की फिंगर जब भी लॉन्ग हो जाती है ना तो डिसिप्लिन में रहने वाले ऐसे जातक होते हैं। शो ऑफ करना बिल्कुल नहीं पसंद आता है आप लोगों को, डिसिप्लिन में रहने वाले होते हैं, कोई भी चीज को योजनाएं के साथ, है ना, प्लानिंग के साथ करने वाले होते हैं। पैसा बिल्कुल नहीं आपको बचता होगा, क्योंकि आप देखें इसके अंदर गैप है, इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं, किसी के अंडर में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं आता है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं, ये काफी अच्छा है। अब आइए आपकी सूर्य की फिंगर, है ना, आपकी जो अपोलो फिंगर है ये सन की फिंगर की लेंथ काफी अच्छी है, एकदम स्ट्रेट है ना। तो ये जो है स्ट्रेट क्या बता रहा है, आपको नेम फेम बहुत अच्छा मिलेगा, क्रिएटिव टैलेंट है इसे जातक में बहुत अच्छा होता है, और कहीं ना कहीं पिता से अच्छा सहयोग मिलना या फिर पिता के संपत्ति में मिलना ये होगा, नहीं तो गवर्नमेंट से या फॉरेन लैंड से अच्छी सहायता मिलती है। अब देखिए आपकी बुध की फिंगर बिल्कुल अलग है, देखिए ये तीन फिंगर अलग है, ये फिंगर बिल्कुल अलग है, तो इससे क्या मतलब बनता है, इसका मतलब यही होता है कि ऐसे जातक अपने घर में बिल्कुल सबसे हटके काम करने वाले होते हैं। उसके बाद देखिए ये जो फिंगर की लेंथ है ना ये छोटी है, तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होता है। अब देखिए कम्युनिकेशन प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं कि आपको बोलने नहीं आता, आदित्य योग भी है आपकी कुंडली में, सब कुछ अच्छा है, बट कहीं ना कहीं स्टार्टिंग लेवल में जो होता है ना, शुरुआती दौर में आपको बात करने में थोड़ी प्रॉब्लम रहती होगी, फिर धीरे धीरे जब आप एडजस्ट कर जाते होंगे तो फिर आसानी से बात कर लेते हो, अपनी बातों को रख नहीं पाना, है ना, इस चीज़ को बताता है। थोड़ी मैनेजमेंट की भी दिक्कत आती है कि मैनेज नहीं करना हर चीज़ को, मतलब कभी आप पैसे के बीच में मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, कभी घर के मामलों में मैनेजमेंट नहीं हो जाना, लाइक इस तरह की प्रॉब्लमें रहती हैं। थंब देखिए आपका थंब काफ़ी स्ट्रांग है, हालांकि आपका थंब छोटा है, छोटा होने से क्या होता है, टू द पॉइंट बात करने वाले होते हैं, जिद्दी होते हैं, बहुत जल्दी लोगों पर विश्वास कर लेने वाले होते हैं, वहीं पर धोखा मिलता है आप लोगों को। अब देखिए ये जो है ना काफ़ी स्ट्रांग है, ठीक है, स्ट्रांग है, और ये जो मूड नहीं रहा है बिल्कुल, तो जिद्दी स्वभाव के होते हैं, कभी भी कहीं भी झुकना पसंद नहीं करते हैं। और देखिए पहला पोरवा जो है ना आपका छोटा है और दूसरा पोरवा बड़ा है, यानी लॉजिक पावर बड़ा है, विल पावर वीक है, योजनाएं बहुत अच्छी बनाते हैं, आपके पास लॉट्स ऑफ आइडियाज रहते हैं, आपके आइडियाज को फॉलो करके कोई और आगे बढ़ जाता है, लेकिन आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, आपको किसी न किसी का राय चाहिए, किसी न किसी का उसमें आपको सजेशन चाहिए, फिर जाके आप आगे बढ़ेंगे। थोड़ा विल पावर स्ट्रांग कीजिए आप, है ना, आपको सूर्य भगवान को जल देना है, इससे आपका विल पावर स्ट्रांग होगा, और इसमें सूर्य भगवान को जल आप लाल चंदन डाल के दीजिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। अब देखिए यहाँ पे एक चैन बनता है जो कि आपको मैरिज लाइफ बहुत अच्छा होने का एक तरह से प्रमाण देता है, लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है कुछ भी इस तरह से। अगर शादीशुदा जिंदगी भी होगी, चल भी रही होगी, तो आपके हस्बैंड के बदौलत चल रही होगी, आपकी ज़्यादा अच्छी दिख नहीं रही है मुझे। अब आइए आपकी जुपिटर माउंट, देखिए जुपिटर माउंट का लेंथ तो अच्छा है लेकिन दबा हुआ है, तो यही मैरिज लेट होना, मैरिज का सुख नहीं होना, संतान के सुख में कमी, इन सभी चीज़ों को दिखा रहा है। लेकिन धन बहुत अच्छा है, आपको नेम फेम बहुत अच्छा है, रिस्पेक्ट बहुत अच्छा है। कैसे अच्छा है, यहाँ पे स्टार का साइन आप देखिए इस प्रकार से, यहाँ पे देखेंगे, देख लिया आपने, अब देखिए यहाँ पे इस तरह से आप, मैं स्टार बना के भी दिखा देती हूँ, इस प्रकार से है। जब भी आपके इस तरह से स्टार हो
ये काफ़ी बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोग बहुत बड़े लेवल का नेम फेम पाते हैं, बहुत रिस्पेक्ट पाते हैं, जहाँ भी रहते हैं बहुत रिस्पेक्ट पाते हैं। बहुत ही बड़ा मंदिर का शाइन आपके है ना इस माउंट पे है, देखिए इस प्रकार से है ना। देखिए कोई भी शाइन हाथ में परफेक्ट नहीं बनता, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर इतना बड़ा मंदिर का शाइन हो तो ऐसे लोग तो शादी तो पहली बात करना चाहते नहीं है। काफ़ी धार्मिक होते हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं और बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं। ऐसे लोग को आप देखेंगे कि एक टाइम के बाद ना कोई पीठम में या फिर आप इस्कॉन टेम्पल हो गया या फिर गुरुद्वारा हो गया, कहीं ना कहीं सेवा करते हुए पाएंगे। बहुत बड़े लेवल का है ना, वहीं से धन की अर्जन भी होगी क्योंकि वहीं पे फिश का शाइन है ना, इस चीज़ को दिखा रहा है। ट्रायंगल है तो अपॉइंटमेंट लेके ऐसे लोगों से मिलते हैं तो लाइफ में बहुत प्रोग्रेस होता है ऐसे लोगों को। रिंग ऑफ सोलोमन की आकृति लगभग बन रही है, पूरी बनी नहीं है, ठीक है। तो इंट्यूशन स्ट्रांग है, बुद्धा आइज भी आपके है, इसमें हल्की दिख रही है बट है, तो इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा। मल्टी मिलेनियर साइन तो है ही है। अब देखिए शनि, शनि पे उतनी ही सुंदर सी लीफ का साइन या कमल का साइन बोल लीजिए, कमल के फूल का साइन है। एक इधर है, एक इधर है ना, एक यहाँ पे है, इस प्रकार से है। तो देखिए जब भी इस तरह से कमल का फूल हो उसमें भी आपके शनि के माउंट पे हो तो ये बेस्ट होता है। ये धन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा होता है। वेल्थ बहुत होते हैं और वेल्थ कहाँ पे मिलते हैं आपको, कहीं ना कहीं अपने इनहेरिटेंट संपत्ति हो गया, पूर्वजों से हो गया या फिर कहीं से गिफ्ट मिलना, इन सभी चीज़ों को दिखा रहा है। एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम को भी जनरेट कर रहा है ये। अब देखिए आपका शनि का ही झुकाव है सूर्य की तरफ और यहाँ पे भी है, देखिए ये कहीं ना कहीं पारिवारिक जीवन में कलह क्लेश को दिखाता है, लेकिन ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छे करते हैं, ऑब्जर्व कोई चीज़ को बहुत अच्छे करते हैं आप लोग, एडवाइस बहुत अच्छे देते हैं, काउंसलिंग बहुत अच्छे करते हैं। अब यहाँ पे ये क्या करेगा, ये आपको डिसिप्लिन बहुत अच्छे देते हैं, शो ऑफ बाजी करने वाले नहीं होते, बिल्कुल शो ऑफ नहीं करते हैं ये लोग। अब देखिए अब बेसिक नॉलेज भी काफ़ी अच्छी है आपकी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ट्रायंगल तो हालांकि बन रहा है आपका है ना, ट्रायंगल भी बन रहा है, नेम फेम वाली भी लाइनें बहुत अच्छी से आ रही है, विदेश में नाम कमाना, बहुत दूर दूर तक नेम फेम जाना, ये सारा कुछ है। लेकिन क्या है ना दिक्कत, यहाँ पे ये क्रॉस बन गया तो कहीं ना कहीं ये आपको एलिगेशन, जो काम आप नहीं करेंगे उस काम का एलिगेशन लगना, बदनामी होना, पिता के सुख में कमी को दिखा रहा है, थोड़ा सा नाम में कमी को, नेम फेम में रुकावट को दिखा रहा है। बाकी सूर्य अच्छा है आपका, लेकिन सूर्य अच्छा से अच्छा बुध है आपका। देखिए बुध पे कितना सुंदर इस तरह के यहाँ पे एक बन रहा है ध्वजा का साइन है ना, इसको ध्वजा का साइन बोलते हैं, बहुत सुंदर ध्वजा का साइन। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन से रिलेटेड बहुत अच्छे स्पीकर होते हैं आप लोग, स्पीच देने वाले होते हैं। अब देखिए यहाँ पे कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि को बोलने नहीं आता, देखिए यहाँ से दिख रहा है कि आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हो, बहुत अच्छे लोगों को बातों समझा पाते हो और बहुत अच्छे स्पीच लिखने वाले, भाषण देने वाले, वाणी से पैसे की अर्निंग जिसे कह सकते हैं वो करने वाले होते हैं। बहुत सुंदर है आपका बुध, बुध माउंट भी अच्छा है और यहाँ से भी एक लाइन जा रही है तो ये सडन धन लाभ, सडन नेम फेम को दिखा रहा है। तो बुध की माउंट, मरकरी माउंट भी आपकी अच्छी निकली। अब देखिए मंगल, बाहरी मंगल अच्छा है आपका है ना, लेकिन थोड़ा स्पेस कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा मेंटली परेशान तो रहेंगे ही रहेंगे क्योंकि ये आपके मेंटली एरिया को करता है और ये फिजिकली एरिया, तो फिजिकली आप स्ट्रांग ही हैं, अच्छे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से एक सुंदर सा लाइन गया हुआ है, आप देख रहे हैं गार्डन एंजल लाइन जिसको बोलते हैं, जिसको कि हम लोग ज्वरीय रेखा बोलते हैं है ना, बहुत अच्छा लाइन है ये। लाइन आपको 28 के राउंड से ही गया हुआ है तो 28 के राउंड से लाइफ में कोई ना कोई आता जो कि आपको लाइफ को एकदम ऊपर ले जाता है, सपोर्ट करता है, या फिर किसी ना किसी का लक आपके साथ जुड़ जाना, बहुत बड़ी बड़ी अनहोनी से बचा लेना। ईश्वर का कृपा ही जब आपके ऊपर, गॉड का कृपा ही आ गया तो आपको कोई क्या बिगाड़ पाएगा है ना, तो ये चीज़ है, ये काफ़ी अच्छा है ये। अब देखिए आपका चंद्रमाउंट कितना अच्छा है, चंद्रमाउंट पे से लाइन गया थी विदेश जाने का योग बता रहा है ना, चंद्रमाउंट पे इस तरह से आ रही रेखा है, ये यात्रा, लंबी यात्रा या फिर बराबर यात्रा करने के योग को बता रहा है। तो चंद्रमाउंट भी अच्छा है, साफ सुथरा है। आपका केतु माउंट काफ़ी अच्छा है, देखिए केतु ऐसे भी आपका मिथुन राशि में अच्छा फल देता है, देखिए कितना सुंदर है। ऑनलाइन बिजनेस कीजिए, आपको सफलता मिलेगा, मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी। आप जो भी ट्रेडिशनल काम करेंगे ना, ट्रेडिशनल यानी कि पारंपरिक काम जो होता है ना, जो परंपरा चला आ रहा है, पुराना काम है ना, केतु आपके पुराने चीज को रिप्रेजेंट करता है। सपोज आप किसी क्लॉथ का ही बिजनेस कर रहे हो तो कोई वेस्टर्न ड्रेस सेल कर रहा है, लेकिन आप क्या करें, एकदम से इंडियन जो होता है ना, ट्रेडिशनल ड्रेस वो आप सेल करें लाइक इस तरह से, तो ये काम में आपको सक्सेस मिलेगा। और ये बिजनेस की तरफ ये लाइन जा रही है तो डेफिनेटली आपको बिजनेस में ही सक्सेस मिलेगा। ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो इन सभी चीज़ों में, जुआ सट्टा इन सभी में, क्योंकि यहाँ से भी एक फिश का साइन बहुत गजब का बन रहा है। वेल्थ के दृष्टिकोण से ये पॉम्प बेस्ट है ना। अब देखिए
वीनस माउंट, वीनस माउंट ही उतना अच्छा है। तो वीनस माउंट क्या बताता है, आपके अट्रैक्शन को दे बताता है, काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं ऐसे जातक, लग्जरी और ब्यूटी लाइफ में रहती है, इन सभी चीज़ों की कोई कमी होती ही नहीं है आप लोगों को। शुक्र अच्छा है तो आप कैसे भी जगह पे रहेंगे तो खुश ही रहेंगे, है ना। कितनी भी लाइफ में परेशानी, लोन चल रहे हैं, कर्जे चल रहे हैं, फिर भी ऐसे लोग काफ़ी खुश रहते हैं। इन्फ्लुएंस लाइन है तो एक से अधिक दोस्त वगैरह जो होते हैं ना वो रहते हैं ऐसे लोगों को, मेल पार्टनर। अब आइए आपकी मेन लाइन, मेन लाइन आपकी हार्ट लाइन नहीं अच्छी है, बिल्कुल अच्छी नहीं है। एक तो यहाँ से आई है, टूट गई है 30 के अराउंड हार्ट ब्रेक, उसके बाद फिर 34 के अराउंड हार्ट ब्रेक, उसके बाद फिर हार्ट लाइन ठीक ठाक चली तो है बट यहाँ तक दिक्कत है, है ना, यहाँ तक उसका डबल लाइन का सपोर्ट है। हालांकि ये डबल लाइन का सपोर्ट ही कहा जाएगा, इसको अशुभ साइन नहीं बोला जाएगा। 45 तक आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली प्रॉब्लम रहा होगा, उसके बाद फिर चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो गई होंगी, है ना। फ्लर्टी नेचर के भी आप हैं, खुश मिजाज हैं, फ्लर्टी नेचर होना अच्छी बात है ना, खुश मिजाज हैं, थोड़ी देर कोई चीज़ का गम लेते हैं उसके बाद खुश हो जाते हैं। बहुत कम उम्र में इंडिपेंडेंट हो जाना, बहुत कम उम्र में पैसे की अर्निंग करना या फिर अपने फैसले खुद लेना, किसी के अंडर में नहीं रहना, किसी का दबाव नहीं रहना, इस चीज़ को दिखा रहा है। देखिए 30 के अराउंड से लेके आपका 40 तक बहुत ख़राब पीरियड रहा है, बहुत ख़राब पीरियड, मेंटली इमोशनली फिनेंशियली हर तरह की दिक्कत दिख रही है। उसके बाद रेखाएं ऊपर गई हैं और यहाँ पर ट्रायंगल बनाई है, तो ये ट्रायंगल कहीं ना कहीं उसके बाद लाइफ में एक सेटलमेंट आता हुआ दिखा होगा 45 के राउंड से। उसके बाद रेखाएं ठीक है, अच्छी है, उसके बाद अप की ओर गई है, तो उसके बाद प्रोग्रेस होगा। लास्ट में फिश का सिंबल बना रही है, तो बहुत मेंटली स्ट्रांग, कहते हैं ना धोखा खा के अक्ल खुलना, लाइक इस तरह की सिचुएशन आपके लाइफ में रही होगी। लॉन्ग माइंड लाइन है तो कोई चीज़ को बहुत जल्दी सीखने वाले होते हैं, एक बार में एक ही काम कीजिए, एक ही काम को पकड़ के रखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, काम को बार बार चेंज मत कीजिए। हालांकि 2-3 तरीके का काम का योग है लेकिन काम चेंज मत करिए। अब देखिए लाइफ लाइन आपकी, देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से ऑफ सूट निकला हुआ और ये 28 के राउंड से ही निकला हुआ, तो ये लगातार प्रोग्रेस मनी मेकर होते हैं, ऐसे लोग जहाँ रहते हैं वहीं पे पैसे बना लेते हैं। तो आपकी जो है ना लाइफ लाइन अच्छी है, क्वालिटी क्वांटिटी दोनों अच्छी है, और यहाँ पे देखिए ऑफसूट भी निकला हुआ है, तो उम्र होगा तकरीबन 34 के राउंड, है ना, लाइफ में बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई है। उसके बाद लाइफ लाइन अच्छी है, गोलाई ज़्यादा नहीं है बट ठीक है लाइफ लाइन की गोलाई, है ना, क्वालिटी क्वांटिटी अच्छी है। भले आप अभी विदेश में रह रहे हो, बर्थ प्लेस से दूर रह रहे हो, लेकिन लास्ट टाइम में जो कहते हैं ना, जब लास्ट टाइम होता है, जब हम लोग को यहाँ धरती से जाने का टाइम होता है, उस टाइम आप अपने घर पे बर्थ प्लेस पे आएंगे, बहुत ज़्यादा फैमिली को मानने वाले होते हैं लेकिन फिजिकली इन्वॉल्वमेंट कम रहता है। देखिए अब लक लाइन, देखिए लक लाइन यहाँ से चला है, है ना, यहाँ पे द्वीप का सिंबल बनाया है, बहुत ख़राब सिचुएशन देखिए लक लाइन से भी दिख रहा है, तो वही उम्र है आपका 30 से लेकर 35 के राउंड तक है ना, बहुत अच्छा नहीं है लक लाइन भी। अब देखिए यहाँ से एक रेखाएं गई है, ये लक लाइन है ना अच्छी है आपकी, तो कहीं ना कहीं 35 के बाद लाइफ थोड़ी ठीक ठाक चली है आपकी, उसके बाद फिर हाँ ठीक है, उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है लाइन में, लेकिन इस टाइम पीरियड में बहुत खराब सिचुएशन आया है, उसके सन पे भी गया है लाइन, तो कहीं ना कहीं आप 35 के बाद लाइफ में थोड़ी स्टेबिलिटी आई है। मुझे नहीं पता है आपकी क्या है नहीं है, मैं बात करूंगी तो वो पता चलेगा, बट मुझे जो भी हाथ से दिख रहा है ठीक है। उसके बाद मनी ट्रायंगल है, बहुत क्लियर मनी ट्रायंगल है, धन भी आएगा रुकेगा भी, बहुत शार्प माइंड के हैं, सडन ग्रोथ सडन धन लाभ, इन सभी चीजों को दिखा रहा है। राहु रेखा भी काटी, जो भी प्रॉब्लम आपको 35 तक रहा होगा, 35 के बाद धीरे धीरे, देखिए जब चीजें खराब होने में टाइम लगती है तो ठीक होने में भी टाइम लगती है ठीक है, धीरे धीरे टाइम आएगी ठीक हो जाएगी। ये तो हो गया आपके राइट हैंड का प्रेडिक्शन है ना, और लेफ्ट हैंड में भी मैं देख रही थी, एक बार मैं और देख लेती हूँ। बापरे देखिए लेफ्ट हैंड तो आपका सही नहीं है ठीक है, बिल्कुल सही नहीं, इतने स्ट्रेस की लाइनें हैं, बहुत अंदर में सोचते हो है ना, लेफ्ट हैंड के सिचुएशन से लग रहा है बहुत सोचते हो, लेकिन जो है ना कहीं एक दिमाग है जो आपको बोलता है नहीं उतना सोचना गलत बात है ठीक है, ज़्यादा मत सोचिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगी। तो आई थिंक मैंने आपके दिल का पूरा विश्लेषण कर दिया, इसके बाद कोई लाइन रेखाएं चिन्ह सवाल रहेंगे तो आप मेरे से पूछ सकते हो। नमस्कार।